सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे कैलीग्राफी पेंटिंग के लिए एक बैकग्राउंड, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा 18x24 इंच का कैनवस, और कलर्स हम यूज़ करेंगे ब्लैक और वाइट एक्रेलिक। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम कैनवस को पूरा ब्लैक कलर करेंगे। जब ये ब्लैक कलर सही से ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने पानी के अंदर हाफ व्हाइट कलर और हाफ पानी मिक्स करके इसको ऐसे पतला सा कलर बना लेना है, और अभी हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। अगर पूरे कैनवस पे ऐसे कलर फैला लेने के बाद आपने कोई भी शीट, ऐसे प्लास्टिक शीट लेनी है, ऐसे जैसे ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली, तो इसको हम इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। तो गाइस, जैसे पूरे कैनवस पे शीट लगाने के बाद आप कोई भी ऐसे राउंड चीज़ यूज़ की, गोल चीज़ जो मतलब जिसके साथ इसको रोल करेंगे, तो आप मैं स्प्रे यूज़ करूँगा या फिर ये दोनों में से कोई एक यूज़ करते हैं, फिर इसको ऐसे ऊपर रख के। ऐसे सही से रोल करने के बाद हम इसके ऊपर से शीट उतारेंगे ऐसे के। फिर आपने एक और थोड़ा सा पेपर शीट लेके ऐसे इसको थोड़ा सा मतलब जो भी ऐसे निशान से बना के पूरे कैनवस पे जिस जगह पे कलर्स ज्यादा है या फिर जिस जगह पे कम लगाए, तो वहां पे ऐसे ऐसे करके ये डिजाइन बनाने। तो गाइस, शीट उतारने के बाद कुछ ऐसा टेक्सचर बन चुका है, आप भी ये बना सकते हैं। बस आपको कोई भी अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, जो भी कलर्स आपस में अच्छे लग रहे हो तो आप भी बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको बस ये प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक रैप कुछ भी बोल रहे हैं आपको वो चाहिए, और आप ऐसे बैकग्राउंड टेक्स्चर बना सकते हैं कैलीग्राफी के लिए। तो अभी हम इसके लिए ऊपर कुछ लिखूंगा, मैं कुछ भी कैलीग्राफी करेंगे तो वो मैं वीडियो इसके बाद अपलोड करूंगा। तो आप फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि जब भी मैं कुछ अपलोड करूँ जिस पर लिख के, तो वीडियो आपको मिल जाए।